नमस्कार दोस्तों, जन पत्रिका कैसे देखे सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के अच्छे ग्रह अर्थात योग कारक ग्रह और बुरे ग्रह अर्थात मारक ग्रहों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी थी। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के अंतर्गत कौन से अच्छे ग्रह होते हैं, जिनकी दशा अंतरदशा में जातक का भाग्य उदय होता है, उसको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, उसकी जो भी असीम इच्छा है वह पूरी होती है, और कौन से ऐसे बुरे ग्रह होते हैं जिनकी दशा अंतरदशा के अंतर्गत जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हर तरफ से उसको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि कर्क लग्न की कुंडली है तो यहां पर 4 नंबर लिखा होगा। पिछले मैंने वीडियो में बता ही दिया था कि राशियों को नंबर से डिफाइन किया जाता है। ये सभी हमें हमारी 12 राशियां होती है जिनके ये 12 नंबर होते हैं, ये फिक्स रहते हैं। अर्थात जैसे 8 नंबर लिखा है तो वह सदा वृश्चिक राशि होगी, 12 नंबर लिखा है तो सदा मीन राशि रहेगी, 2 नंबर लिखा है तो सदा वह वृषभ राशि रहेगी। इस तरीके से राशियों को नंबर से डिफाइन किया जाता है जन्म कुंडली के अंतर्गत। यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर सदा 4 नंबर लिखा रहेगा और उसके आगे सीक्वेंस में नंबर लिख रहेंगे। यहाँ पर 5 नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। 12 के बाद वापस से सीक्वेंस चालू हो जाता है। यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है तो आपका राशि स्वामी, इस राशि का राशि स्वामी चंद्र ग्रह होता है जो कि लग्न कहलाता है। लग्न सदा शुभ परिणाम देता है, इसलिए ये अच्छे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आएगा अर्थात योग कारक ग्रह कहलाएगा। चंद्र की जब भी दशा, महादशा, अंतरदशा चलेगी तो जातक को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे जिस घर में चंद्र विराजित है। अर्थात प्लेसमेंट भी बहुत अधिक आवश्यक होता है जन्म पत्रिका के अंतर्गत, यानी कि यह लग्न का स्वामी है वह कहां पर बैठा है उसके अकॉर्डिंग हमें शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। 12 भावों के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दे चुकी हूं कि कौन से घर से किस तरीके से रिजल्ट प्राप्त होते हैं। दोस्तों इस तरीके से यदि लग्न चंद्र है तो वह सदा शुभ परिणाम उसको देगा। अर्थात कर्क लग्न की कुंडली में अच्छे ग्रहों की श्रेणी में सबसे ग्रह शुभ परिणाम देने वाला चंद्र ग्रह होता है। अब सेकंड नंबर हाउस की बात करते हैं, यहां पर कौन सी राशि स्थित है, फिफ्थ राशि का राशि स्वामी सूर्य ग्रह है। अब मैंने आपको पिछली बार भी नियम बताया था कि लग्न का यदि यह घर में स्थित राशि मित्र है तो वह अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएगा, यदि वह शत्रु है तो बुरे ग्रहों की श्रेणी में आएगा। अब यहां से शत्रुता और मित्रता हम देख सकते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए ये सभी 12 राशियां यहां पर लिख रखी है और उनकी शत्रुता मित्रता के लिए भी सारणी यहां पर बता रखी है ताकि आपको परेशानी नहीं हो। तो चंद्रमा की मित्रता है सूर्य से, हम देख सकते हैं यह ग्रुप अलग है, यह ग्रुप अलग है, इन सभी की मित्रता है आपस में, इन सभी ग्रहों की मित्रता है और इन ग्रहों की इनसे शत्रुता है, ये आपस में शत्रु है। बुध ग्रह की इन सभी ग्रहों से मित्रता है और बुध ग्रह की बृहस्पति और सूर्य से मित्रता है और मंगल और चंद्र से शत्रुता है। इस प्रकार चंद्र की मित्रता है सूर्य से तो सूर्य भी यहाँ पर योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आएगा अर्थात अच्छे ग्रहों की श्रेणी में यह आएगा। कर्क लग्न की कुंडली है तो सूर्य की दशा अंतरदशा में जातक को धन संबंधित परेशानियां जो भी उसकी उत्पन्न थी पिछले कई महीनों से या उसके जीवन में तो वह दूर होगी, और भी बहुत सारी परेशानियां उसके जीवन में दूर होगी। सूर्य की जब भी दशा महादशा आएगी तो उसको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं 6 नंबर और 3 नंबर। ये दो नंबर मैं आपको इसीलिए ले रही हूं कि पिछली बार भी मैं आपको बता चुकी हूं कि दो राशियों का राशि स्वामी एक है, अर्थात कन्या राशि का राशि स्वामी बुध ग्रह है तो मिथुन राशि का राशि स्वामी भी बुध ग्रह है। तो 6 नंबर और 3 नंबर ये सम घर होते हैं और ये अच्छा घर नहीं है। दोनों ही घर अच्छे नहीं होने के कारण बुध को बुरे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। अर्थात बुध ग्रह की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये मारक ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं 7 नंबर और 2 नंबर। 7 नंबर का राशि स्वामी शुक्र ग्रह है और 2 नंबर राशि का राशि स्वामी भी शुक्र ग्रह है तो 7 नंबर केंद्र से संबंध रख रहा है। जो भी ग्रह यदि केंद्र से संबंध रखते हैं तो वे सदा शुभ परिणाम देते हैं, अर्थात ये अच्छे घर माने जाते हैं और ये भी सम ग्रह है।
इसलिए शुक्र ग्रह भी इसमें अंतर्गत अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएगा। शुक्र की जब भी दशा अंतरदशा होगी तो जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं आठ नंबर वृश्चिक राशि है जिसका राशि स्वामी मंगल है और एक नंबर जिसका राशि स्वामी भी मंगल है मेष राशि है। एक नंबर यह है और ये त्रिकोण का घर होता है और ये भी केंद्र का घर है। दोनों ही घर अच्छे हैं इसलिए मंगल भी इसमें अच्छे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आएगा अर्थात योग कारक ग्रह हमारा कहलाएगा। अब उसका प्लेसमेंट भी देखना पड़ता है। यदि मंगल ही 6, 8, 12 में स्थित हो जाए तो वह फिर बुरे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है क्योंकि ग्रह जब यदि बुरे घर में विराजित हो जाता है तो वह मारक की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए प्लेसमेंट भी देखना बहुत जरूरी होता है। मैं अगले वीडियोस में आपको क्लियर कर दूंगी कि प्लेसमेंट किस तरीके से देखा जाता है। अभी हम सिर्फ मोटे तौर पर बेसिक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हम ये जान पा रहे हैं कि अच्छे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से ग्रह आते हैं और बुरे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से ग्रह आते हैं। अब बात करते हैं 9 नंबर अर्थात धनु राशि जिसका राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह है और 12 नंबर जिसका मीन राशि है जिसका राशि स्वामी भी बृहस्पति ग्रह। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था यदि त्रिकोण का घर मिलता है तो उस राशि का ग्रह जो भी होता है उसे सदा शुभ परिणाम वह देता है उस जातक को। तो ये त्रिकोण का घर प्राप्त है बृहस्पति ग्रह को लेकिन एक घर अच्छा नहीं है तो भी वह शुभ परिणाम देगा। इसलिए बृहस्पति भी इसके इस कर्क लग्न की कुंडली के अंतर्गत योग कारक ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे अर्थात अच्छे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं 10 नंबर और 11 नंबर। 10 नंबर मकर राशि है जिसका राशि स्वामी शनि ग्रह है और 11 नंबर कुंभ राशि है जिसका राशि स्वामी भी शनि ग्रह है। अब इसके अंतर्गत एक नियम लागू होता है कि यदि यह लग्न का मित्र है तो अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएगा और यदि यह लग्न का शत्रु है तो वह बुरे ग्रहों की श्रेणी में आएगा। अब लग्न का राशि स्वामी चंद्र ग्रह है, चंद्र का शनि से शत्रुता है। आप इस सारणी के माध्यम से जान सकते हैं कि चंद्र की शनि से अति शत्रुता है इसलिए शनि यहाँ पर मारक की स्थिति में आएगा अर्थात बुरे ग्रहों की श्रेणी में आएगा। इसलिए जातक को जब भी शनि की दशा अंतरदशा चलेगी तो उसे बुरे परिणाम उसके जीवन में प्राप्त होंगे। हमने अक्सर देखा है कि यदि हमारा पूरा जीवन होता है तो हमें कभी ना कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है जो हमारे जीवन के अनुकूल नहीं होती है, वह हमारे ग्रहों के कारण ही आती है। अब आप ये भली भांति जान ही गए होंगे जितनी भी यह राशियां हैं उनमें हर राशि के अंदर कुछ ग्रह अच्छे श्रेणी में आते हैं, कुछ ग्रह बुरे ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। यदि हम यह जान पाए कि कौन से ग्रह हमारे बुरे हैं तो जब उसकी दशा अंतरदशा चले और हमें क्या उपाय करें तो जो समय होता है हमारा परेशानियों का वह भी हमारे अच्छे से गुजर पाएगा। इसलिए यह जानना बहुत अधिक आवश्यक है कि कौन से हमारे ग्रह योग कारक है और कौन से मारक ग्रह है। दोस्तों अब बात करते हैं इष्ट देव की। इष्ट देव के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरी विस्तृत जानकारी दे रखी है। एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है कि आप राशि के अनुसार अपने इष्ट देव कैसे जान पाए, लेकिन इसमें भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि पंचम भाव का जो भी स्वामी ग्रह होता है वह इष्ट देव कहलाता है। तो इसका पंचम भाव का स्वामी ग्रह कौन है? मंगल ग्रह। आप यहाँ से देख सकते हैं कि वृश्चिक राशि इसको प्राप्त है, इसका राशि स्वामी मंगल ग्रह। यानी कि इष्ट देव वह देव होता है जिसकी पूजा आराधना करने से हमारे जीवन में जो भी परेशानी होती है वह सदा दूर हो जाती है। यदि मंगल देव की आप पूजा आराधना करेंगे, मंगल देव को हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यदि आप हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे हर मंगलवार को, यदि आप हनुमान जी के मंदिर जा सके तो बहुत अच्छी बात है। मंगल देव के बीज मंत्रों का यदि आप जाप करेंगे तो 100% आपके जीवन में कोई सी भी दशा अंतरदशा चल रही हो तो आपको सदा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए इष्ट देव का जानना भी हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार इष्ट देव जानकर उनकी पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देंगे तो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो उसका अंत अवश्य होगा। दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको जन्म पत्रिका कैसे देखे का बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वह छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आपको दे रही हूँ। पूरी 12 राशियों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। यदि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया तो 100% आपको जन्म पत्रिका देखना भी आ जाएगा। आप खुद अपने जीवन का
जो भी परेशानियों से भरा समय है उसका अंत आप कर पाएंगे। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही यह वीडियो बहुत जल्दी स्प्रेड होगा और दूसरों के पास भी बहुत जल्दी पहुंचेगा दोस्तों, और दूसरों के साथ भी इसे आप शेयर अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट यदि मुझे नहीं मिलेगा तो यह मेरी जो कोशिश है वह विफल हो जाएगी। मेरा जो ये प्रयास है कि मैं आप लोगों को सिखा सकूं वह मैं प्रॉपर नहीं सिखा पाऊंगी दोस्तों, क्योंकि आपका साथ होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए, और आपके कोई भी सुझाव हो या आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर पूछ सकते हैं, उसका जहां तक पॉसिबल होगा उसका मैं जवाब आपको अवश्य दूंगी। लेकिन समय की कमी के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हर कमेंट्स का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं जहां तक पॉसिबल होता है मैं उनको जवाब देने का प्रयास करती हूं, लेकिन कोई छूट जाता है तो उसके लिए बहुत दिल से सॉरी कहना चाहती हूं मैं आप सभी को। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।